हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको JSP MySQL पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट का डेमो देने वाला हूँ, जिसका नाम है टीचर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर लिया है स्प्रिंग टूल सूट में, एंड इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर पे राइट क्लिक करके रन एज सर्वर कर दिया। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, टीचर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है, तो मैंने JDK यूज़ किया है, जावा डेवलपमेंट किट, एंड उसके अलावा ID हम स्प्रिंग टूल सूट यूज़ कर सकते हैं या एक्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस के लिए हमने MySQL को यूज़ किया है, उसके लिए आप चाहें तो XAMPP यूज़ कर सकते हैं एंड या तो MySQL वर्कबेंच का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये पहला पेज आ गया। सबसे ऊपर कुछ नेविगेशन में हमने कुछ लिंक्स दिए हैं, नीचे एक फुटर दिया है। यहाँ पे हम टीचर को सर्च कर सकते हैं उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर उसके नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैं चाहूँ तो नाम से भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वापस होम पेज पर जाता हूँ और नाम से यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो हम नाम या सब्जेक्ट से सर्च कर सकते हैं। ओके, अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 टीचर होंगे तो सारे के सारे 10 टीचर सर्च होके आ जाएंगे। तो जितना डेटाबेस में डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च होके आएगा। ये हमारा अबाउट अस पेज है, दिस इज़ कॉन्टेक्ट अस पेज एंड दिस इज़ एडमिन लॉगिन पेज। ओके, तो यहाँ पे हमें नाम और पासवर्ड में क्या देना है, एडमिन एडमिन लिखना है। ये डेटाबेस में ऑलरेडी मैंने एंटर कर दिया है, नाम यूज़र नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। सबमिट करता हूँ तो एडमिन का लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल कितने सब्जेक्ट हम ऐड कर चुके हैं और टोटल कितने टीचर को हम ऐड कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हम सब न्यू सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं एंड जो सब्जेक्ट हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कोई नया सब्जेक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा TOC, सबमिट कर दिया। तो आप देखो सब्जेक्ट ऐड हो चुका है सक्सेसफुली एंड यहाँ पे आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, एंड टीचर को अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐड टीचर पे जाके ऐड कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो मैनेज पे जाके उसको देख सकते हैं। एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं एंड अगर मुझे कुछ डिलीट करना हो रिकॉर्ड को तो डिलीट भी कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे चेंज कर दिया, लास्ट में 37 था तो मैंने 98 कर दिया, सबमिट कर दिया। तो आप देखो डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 98 आ गया। मैं नया टीचर आपको ऐड करके भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, कोई पिक हम ले लेंगे जो भी हमारे सिस्टम में हो। तो डाउनलोड्स में जाके मेरे पास कुछ इमेजेस हैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेजेस हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम टीचर का ईमेल आईडी देंगे, तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया, क्वालिफिकेशन लिख दिया एंड टीचर का कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद क्या सब्जेक्ट टीचर को हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम, टीचर का एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, जो भी आपको एड्रेस देना हो आप दे सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट, मतलब टीचर ने कब ज्वाइन किया था, तो ये डेट कब पीछे का भी हो सकता है। ओके, तो मैंने ये डेट एंटर कर दिया, सबमिट कर दिया। तो आप देखो एक और रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। एडिट में जाके हम इसका सारा डिटेल देख सकते हैं। ओके, यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं टीचर को नाम से एंड सब्जेक्ट से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम से सर्च करता हूँ, सबमिट किया तो ये डेटा यहाँ पे सर्च होके आ गया। इसी तरह हम सब्जेक्ट से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नाम पूरा नहीं लिखेंगे, अगर हम थोड़ा सा कुछ कैरेक्टर्स लिख के सर्च करेंगे तब भी अगर मैच होता है तो वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे
लाइक क्वेरी हमने यूज़ की है, एसक्यूएल की लाइक क्वेरी यूज़ की है, लाइक ऑपरेटर का यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे हम इसका डिटेल देख सकते हैं एंड यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे रिपोर्ट देखना है बिटवीन टू डेट्स तो मैं बिटवीन टू डेट्स भी रिकॉर्ड्स को देख सकता हूँ। जैसे मैंने आज और कल की डेट यहाँ पे दे दी, तो इन दोनों डेट्स के बीच में जितना डेटा मैंने इंसर्ट किया होगा, जितने टीचर के रिकॉर्ड इंसर्ट किए होंगे, तो वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएंगे। ओके, अगेन हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पे जाके हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं एंड उसके अलावा यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल टीचर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम इन JSP MySQL। फ्रंट एंड में हमने HTML, CSS एंड JavaScript को यूज़ किया डिज़ाइनिंग के लिए एंड बूटस्ट्रैप भी यूज़ किया है। बैक एंड में JSP हमारा लॉजिकल लैंग्वेज है, डेटाबेस के लिए MySQL यूज़ किया है। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, अगर आप इसका सोर्स कोड परचेज करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।